सभी को राम राम। मान लीजिए कि आप एक 60 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं, उस गाड़ी का 1-1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी करवाते हैं। तो गाड़ी खरीदने के कुछ समय बाद ही किसी भी कारण से आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं तो कंपनी अपने हाथ खड़े कर देती है कि हम ये क्लेम नहीं दे सकते, हम आपको एक फुटी कौड़ी नहीं दे सकते क्योंकि ये डैमेज हमारी टर्म्स में नहीं आता। तो कैसा लगेगा उस समय आपकी जुबान पर, क्या आएगा, कोई बढ़िया सी गाली या फिर फ्रॉड है यार ये तो कंपनी, ऐसे ही कुछ आएगा। ये मैं आपको कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ और ना ही कुछ सोचने के लिए कह रहा हूँ, असल में ऐसा हुआ है। बंजारा हिल्स हैदराबाद के रहने वाले सुधाकर राजू जी ने दिसंबर 2012 में ऑडी Q7 3 लीटर TDI को खरीदा था 60 लाख रुपए में। उस समय पर 1,12,000 रुपए का इन्होंने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस करवाने के बाद लगभग 10 महीने बाद, मतलब कि 15 सितंबर 2013 को सुधाकर जी अपनी गाड़ी से जा रहे थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि सड़कों पर पानी भर गया था और उस भरे हुए पानी की वजह से गाड़ियाँ आगे नहीं जा रही थी। सबने सोचा कि ये रुक जाते हैं, बारिश थोड़ी थम जाएगी उसके बाद गाड़ी चलाना शुरू करेंगे। देखते देखते लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम लग गया और उसमें सुधाकर जी फंस गए। बारिश तो रुकी नहीं, उल्टा बढ़ गई, पानी बढ़ गया, बाढ़ आ गई, गाड़ी आधी डूब गई, इंजन में पानी चला गया और इंजन बंद हो गया। सुधाकर जी ने कोशिश करी इंजन रीस्टार्ट करने की लेकिन वो नहीं हुआ। फिर फाइनली अगले दिन सुधाकर जी अपनी गाड़ी को टो करवा के ऑडी के वर्कशॉप ले जाते हैं। वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक बंदा आता है गाड़ी को देखने के लिए कि भाई कहाँ क्या डैमेज हुआ है, असेसमेंट पूरा करने के लिए। तो वो डैमेज देखने के बाद में सुधाकर जी से बोलता है कि ये डैमेज का पैसा हमारी कंपनी नहीं देगी क्योंकि ये हमारे टर्म्स में नहीं आता। फिर वही बंदा एक रिपोर्ट बनाता है जो वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है। उस रिपोर्ट में वो ये लिखता है कि इंजन में पानी चला गया जिसकी वजह से वो हाइड्रोलॉक हो गया। हाइड्रोलॉक होने के बाद भी सुधाकर जी लगातार इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करते रहे जिसकी वजह से इंजन बुरी तरह से डैमेज हो गया है। इसलिए इसमें सुधाकर जी की गलती है ना कि किसी और की, उनकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, वो कंडीशन को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाए। इसी रिपोर्ट को आधार मानकर कंपनी अपने कंक्लूजन पर आ जाती है और सुधाकर जी से बोलती है कि ये सब कुछ आपकी गाड़ी में जो डैमेज हुआ है वो आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है, इसलिए हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। जो थोड़ा बहुत डैमेज है उसके लिए हम आपको 53,000 रुपीज़ पे कर सकते हैं। यार ऑडी Q7 है वो, उसकी सर्विस ही 40-70 हज़ार रुपये की होती है, आप 53,000 रुपये दे रहे हो जब उसका इंजन बंद हो चुका है। तब तक सुधाकर जी अपनी गाड़ी को 20 लाख रुपए देकर रिपेयर करवा चुके थे और बदले में उन्हें सिर्फ 53,000 रुपये मिल रहे थे। इन चीज़ों को देखकर सुधाकर जी कोर्ट जाने का फैसला लेते हैं, तेलंगाना स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन में जाके ये केस लगा भी देते हैं इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ। 7 साल तक ये केस चलता है इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ में। और फाइनली MSK जायसवाल जी और मीना रामानाथन जी की बेंच एक बहुत बढ़िया फैसला सुनाती है। वो ये कहती है कि भाई कोई इस तरह की परिस्थिति में अगर फंसा है और वो गाड़ी के अंदर बैठा है तो ऑब्वियसली वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, वो गाड़ी को स्टार्ट करके खुद को और गाड़ी को बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए इसमें सुधाकर जी ने कोई गलत नहीं करा, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। इसलिए कंपनी ऐसा नहीं कह सकती कि इसमें सुधाकर जी की पूरी गलती है और वो पैसा देने से नहीं बच सकती, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। इसलिए कंपनी को ये ऑर्डर दिया इस बेंच ने कि 1 महीने के अंदर, मतलब कि 4 हफ्तों के अंदर, सुधाकर जी को 17.54 लाख रुपीज़ प्लस अभी तक का 7% इंटरेस्ट कंपनी देगी सुधाकर जी को। तो फाइनली सुधाकर जी ने 7 साल में ये बैटल जीता है, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी होगी नो डाउट। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप क्या कहेंगे, फ्रॉड या फिर कोई साफ सुथरा दूसरा शब्द देना चाहेंगे? इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के पीछे मेरे 2 मतलब थे, शायद कुछ लोगों को समझ भी आ गया होगा। सबसे पहला मतलब आप लोगों को ये समझाना कि अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। एक रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही हैं उनमें से 60-70% गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है। कई सारे लोग फर्जी इंश्योरेंस कराकर चलते हैं, सिर्फ एक पेपर बनवा लेते हैं, उसमें डेट डली होती है, करंट डेट डली होती है पुलिस वालों को दिखाने के लिए, चालान नहीं कटे सिर्फ इसलिए। जब नई गाड़ी लेते हैं तो इंश्योरेंस करवा लेते हैं लेकिन बाद में फिर उसे रिन्यू नहीं करवाते। क्या पता गाड़ी के साथ कब कितना बड़ा डैमेज हो जाए और आपकी जेब खाली हो जाए, इसलिए इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। दूसरी जरूरी बात,
सही कंपनी से इंश्योरेंस होना चाहिए। आजकल मार्केट में कई सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो घर बैठे बैठे काफ़ी कम बजट में आपको इंश्योरेंस करके दे देती हैं। हम भी परेशान होना नहीं चाहते, ज़्यादा पैसे हम भी खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए हम करवा भी लेते हैं। लेकिन इन कंपनीज के पास जब आप क्लेम लेने के लिए जाते हैं तो ये आपको पैसे नहीं देते या फिर काफ़ी कम देते हैं। इसलिए जब भी किसी इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस लें तो उस कंपनी के रिव्यूज जरूर पढ़ें, ये जरूर देखें कि इस कंपनी ने कितने क्लेम रिजेक्ट किए हैं और कितने क्लेम को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो बस इस वीडियो से मैं आपको यही मैसेज देना चाहता था। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।